दूसरा प्राणी वर्ग रहते हैं या नहीं? दूसरे माने दूसरा प्राणी या कृमि जानवर और पक्षी ये सब रहते हैं कि नहीं? सतयुग का जो फर्स्ट जन्म है वो तो संगम युग में ही है। संगम छोड़ के फिर सतयुग का फर्स्ट। अच्छा, 21 जन्मों में से पहला जन्म तो संगम में ही है, लेकिन यहाँ तो हर प्रकार का वाइब्रेशन का सुख होता है, जिसे कहते हैं आत्मा का सुख। लेकिन सतयुग में आत्मा का भी सुख होगा और 5 तत्वों से बनी हुई देह का भी सुख होगा। वहां जो भी जानवर होंगे, जो भी पक्षी होंगे, वो सुखदाई होंगे, क्योंकि मनुष्य ही सुखदाई बन जाता है। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है, मनुष्य सुखदाई बनता है तो पशु पक्षी भी सुखदाई होते हैं। मनुष्य दुखदाई बनता है तो पशु पक्षी भी दुखदाई होते हैं। सारी सृष्टि की रचना करने वाला रचयिता कौन है? मनुष्य है। मनुष्य में प्रजापिता है फर्स्ट, अर्थात 84 लाख योनियों की शुरुआत होती है, तो पहले मनुष्यों का स्वभाव संस्कार उन योनियों के मुताबिक बनता है, या पहले जानवर पैदा होते हैं, पशु पक्षी पैदा होते हैं? पहले मनुष्यों का स्वभाव संस्कार उन योनियों के मुताबिक बन जाता है, तब बाद में स्थूल रूप में वो योनियां जन्म लेती है। तो पहले जन्म में 1 लाख योनियां रहेगा ना? 84 जन्म है, 84 लाख योनियां है। हर जन्म में घटती किस्म की 1 लाख योनियां बढ़ती जाएंगी। यादव का यज्ञ तो शंकर है, यादव जो भगवान को पहचानता ही नहीं तो शंकर कैसा याद है? यादव का यज्ञ तो शंकर है जी, यादव तो भगवान को पहचाना नहीं है, शंकर कैसा याद करता है? शंकर कैसा याद करता है? कैसा याद करता है? शंकर कैसी याद करता है? जो यादव भगवान को पहचानते ही नहीं। शंकर और शंकर के गण, वो जैसे उनकी प्रजा हो गई, जो शंकर है पाठधारी और जो शंकर की प्रजा है जिसे रुद्रगण कहा जाता है, वो विनाशकारी है या स्थापनाकारी है? टोटल मिलाकर के तो विनाशकारी है। असली जो याद होती है उससे होती है स्थापना। नहीं तो होता है विनाश। अभी दुनिया में चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हो, चाहे एडवांस की दुनिया हो, स्वभाव संस्कार में, प्योरिटी में, मोहब्बत की याद में बढ़ोतरी हो रही है
या घटोतरी हो रही है? सच्ची सच्ची बताना माता जी, बताओ। उनसे क्यों पूछ रही है, आप खुद बताओ। उनका प्रश्न अच्छा, उनसे पूछ लो। जल्दी बताओ, घटोतरी हो रही है? नहीं, बढ़ोतरी हो रही है। अवस्था अच्छी जा रही है, देवता बन रहे हैं, पवित्रता की वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। अरे अभी तक नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, बाद में हो जाएंगे? इसका मतलब है बाद में निमित्त कोई गुरु दूसरा बनेगा। अभी बाप टीचर सदगुरु का असली रूप बच्चों के सामने नहीं आया है। असली रूप तब होगा जब प्रवृत्ति मार्ग प्रत्यक्ष दिखाई देगा बाप का। अभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है? हैं? नहीं दिखाई देता। अभी बाप गुप्त, बच्चे गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, उनका पद मान मर्तबा सब गुप्त। इसलिए शंकर या शंकर के जो भी फॉलोअर्स हैं, उनकी प्रवृत्ति पक्की है, पक्की चल रही है, या प्रवृत्ति में कोई खोट चल रही है? खोट है। ज्ञान के आधार पर देखें तो ज्ञान तो पक्का है, लेकिन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पक्का नहीं है। ये पक्का तब होगा जब विजयमाला का आवाहन करेंगे। नहीं करते बोलते ना, बोला बेसिक नॉलेज, हाँ समझते ही नहीं, बोला आपका बारे में बेसिक से भी समझ लेते भी नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं बाबा, बेसिक आपका बारे में बेसिक बोले कितने समझते से भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? बेसिकली ज्ञान को जानते हैं, वो बेसिक ज्ञान को जानते हैं, लेकिन वो भी अधूरा जानते हैं। परिपूर्ण तब कहेंगे बेसिक ज्ञान में जब उनके आत्मा की कट पूरी उतर जाए, देह का अटैचमेंट बेसिकली खत्म हो जाए। इसलिए वो बाप को भी नहीं पहचान पाते। बाबा, आज मुरली में बेसिक ज्ञान से बढ़कर के एडवांस में आया, क्लास ट्रांसफर होकर आया ना। क्लास ट्रांसफर होकर के, ट्रांसफर होके एडवांस में आते हैं। एडवांस में ट्रांसफर होकर के देवता बन जाते हैं। देवता बन जाते हैं। ये पढ़ाई कौन सी है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। अभी बहुत है ऐसे जो मनन चिंतन मंथन में तो सीखे जा रहे हैं। माना फर्श की दुनिया से बुद्धियोग टूट जाता है, फरिश्ता तो नंबरवार बन जाते हैं, लेकिन देवता, देवता नहीं बने हैं। फर्श कितनी
दुनिया से दूर होने से बाद क्यों बाबा देवता नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते कि दूसरे धर्म वाले भी फरिश्तों को मानते हैं। दूसरे धर्म वाले मनन चिंतन मंथन में तीखे होते हैं, बुद्धि में या डल होते हैं? बुद्धि में तीखे होते हैं। तो रुद्रमाला में भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले सब धर्मों की बीज रूप आत्माएं समाई हुई है। फरिश्ताई स्टेज तो है, लेकिन देवताई स्टेज अभी किसी की नहीं बनी हुई है। वो तब बनेगी जब जो बच्चे के लिए पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई पूरी हो जाए। और पढ़ाई और कितना तक? और कितना तक? पेट भर गया क्या? थक गए? कोई कोई ऐसा समय देते हैं जब कृष्ण बच्चा का पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए हम पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ये कोई बात थोड़ा ही है कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अरे कुछ तो प्रैक्टिस हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो तब तक हम आगे बढ़ते रहे। कृष्ण बच्चा सतयुग में पहला पत्ता बनेगा, ये पक्का हो गया। लेकिन ये थोड़ा ही पक्का हो गया है कि कृष्ण बच्चे के साथ जन्म जन्मांतर तक पार्ट बजाने वाले कौन कौन होंगे? वो भाग्यशाली आत्माएं होंगी ना? एडवांस में सरेंडर नहीं है और नॉन सरेंडर नहीं है। तो जो नॉन सरेंडर हैं वो बाहर वाले हैं और जो सरेंडर होकर चल रहे हैं उनकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाप के ऊपर है। और ब्रह्मा ज्ञानी का अर्थ क्या बाबा? ब्रह्मा ज्ञानी? हाँ, ब्रह्मा तो ज्ञानी नहीं। ब्रह्मा ज्ञानी नहीं क्यों? ब्रह्मा एक ही है क्या? है ब्रह्मा एक एक का ही नाम है कि बहुतों के नाम है? हाँ, एक का नाम ब्रह्मा नहीं है। और बाबा हरी, इतने से जन्मों में क्या क्या पाप करेंगे तो ये कैंसर का बीमारी आ जाता है? कैंसर का चित्र देखा है कि नहीं? देखा है। देखा है, उसमें क्या खासियत है? रात जैसे है, रात जैसे देखता मेरी कटी वो चारों ओर फैलता है। हाँ, तो जो बीमारी चारों तरफ तेजी से फैलती है वो बड़ी तीखी बीमारी है। और जिनको जिनको फैल जाती है बाद में पता चलता है तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सी पाप इतना करेंगे तो ये आ जाता है? आत्मा में क्या कमी शरीर में डेवलप करता है? और कैंसर कोई एक तरह का थोड़ा ही होता है, वो तो अनेक प्रकार का कैंसर होता है। तो अनेक प्रकार के पाप होते हैं। है? एक दो नहीं, उसकी जैसे गैस की बीमारी कहते हैं 84 प्रकार की गैस की बीमारी होती है, ऐसे ही कैंसर की बीमारी भी अनगणित तरीके की हो गई है। और बाबा ने बोला है अगर छोटा रूप को याद नहीं कर सकते तो बड़ा रूप को याद कर।
प्रार्थी में क्या अंतर है? प्रार्थी में बड़ा रूप को और छोटा रूप को याद करने में फर्क क्या है? प्राप्ति का अंतर क्या है? प्राप्ति का अंतर ये है कि जो छोटा रूप को याद करने वाले हैं वो बुद्धि के ज्यादा तीखे बन जाएंगे, जो बड़ा रूप को याद करने वाले हैं वो बुद्धि के उतने तीखे नहीं हैं। जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु पर अपनी बुद्धि को लंबे समय तक टिकाए रख सके, लेकिन अगर बड़ा रूप भी याद करेंगे, बड़ा रूप माने नारायण का चोला, निश्चयात्मक बुद्धि से जो बुद्धि में बैठ गया कि ये नारायण बनने वाला है, उसको याद करेंगे तो जिसको याद किया वो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है या नीचा लक्ष्य है? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। नारायण को याद करने से वो बड़ा रूप है, ठीक है, फिर साकार में निराकार को याद करना चाहिए। वो नारायण में अगर निराकार नहीं है तो नारायण नाम ही नहीं है। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल में ही सदैव जो डूबा रहता है। कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी काम करेगा तो भी ना ज्ञान जल में ही डूबे रहकर काम करेगा, ज्ञान से ज्ञान जल से परे रहकर काम कोई काम नहीं करता। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान शिव से आता है। तो हर कर्मेंद्रियों में शिव का साबित होता है, हर कर्मेंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है। और अगर छोटा रूप माना तो ईश्वर रूप से है, छोटा रूप तो बिंदु का वो याद करने का। हाँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आत्मा का जो रूप है वो छोटा रूप, और आत्मा जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रथ में वो बड़ा रूप। तो हर प्रवृत्ति मार्ग का याद है ना, साकार में जो बिंदु पे याद करना है कैसे याद? बिंदु बिना शरीर के जड़वत हो जाता है, उसको याद करने वाला चैतन्य को याद नहीं कर रहा है, सिर्फ बिंदु को याद किया तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनेगी लेकिन दैवत्व तो नहीं आएगा। देवत्व लाने के लिए उस साकार में प्रवेश करना जरूरी है, जो देवताओं के बीच में बड़े से बड़ा पद पाने वाला है। नहीं तो विधर्मी बन पड़ेंगे। हाँ जी, भक्ति ने तो मंदिर बनाया, मूर्ति प्रतिष्ठापन किया और प्राण प्रतिष्ठा भी किया है, प्राण प्रतिष्ठा भी किया। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा सन 76 में प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं है? हुई। और बाबा ये माता जी पुत्र है, ब्रह्मा को भी पंचमुख दिखाते हैं और हनुमान को भी पंचमुख दिखाते हैं है? और गणेश को भी पंचमुख दिखाते हैं है? क्या इसमें क्या फर्क है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो वो पार्ट कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा, वो हनुमान भी है, वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, वो भगवान भी है, वो देवता भी है, वो मनुष्य भी है, वो राक्षस भी है, वो ये भी है, वो भी है। जैसे गीता में कहा, गीता में क्या कहा, वृक्षों में पारजात वृक्ष मैं हूँ, सर्पों में ये मणिधर सांप मैं हूँ,
माने अपने को सब में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अपने को बड़ा बता दिया। और क्वेश्चन पूछेगा तो वो रावण का सिंह बन जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो डाउट कैसा क्लियर है। मेरे प्रश्न पूछने से रावण का सिर समझते हैं, फिर नहीं पूछे तो कैसा अर्थ समझेगा। अभी राम का सिर कौन सा है सो बता दो। अभी कोई राम का सिर दिखाई पड़ता है, है? जब राम का सिर नहीं दिखाई पड़ता है तो सब कौन हुए? रावण के ही सिर है। साहब की बुद्धि में सिर्फ शिव ही याद रहे, ज्योति बिंदु शिव बाबा याद रहे और कोई की याद ना आए तो कहेंगे राम स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। नहीं तो साहब के मन के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं, एक जैसे संकल्प किसी के अंदर नहीं चलते। तो मन मना भव है या टंटना भव है, क्या कहेंगे? सब अपनी अपनी चला रहे हैं। अंत में जब आत्माएं वापस जाएगी तब सब मनमना भव हो जाएंगे। ये बात दूसरी है, कोई धर्मराज की सजाओं से हो जाएंगे, कोई अपने पुरुषार्थ से हो जाएंगे, कोई दूसरों के धक्का देने से हो जाएंगे। तो बाबा अभी 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 कहा बाबा ने शिव ज्योति स्वरूप को ये याद करना है। नहीं तो फिर अभी ये तो नहीं कहा कि अकेले शिव ज्योति बिंदु को याद करना है। शिव को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? हमारी याद प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की याद है। शिव अगर अकेला कहें तो निवृत्ति मार्ग की याद हो गई। शिव तो आत्मा है, आत्मा का नाम है, तो एक को याद किया और दूसरा तो याद ही नहीं आया। एक अकेला सृष्टि का संचालन करेगा क्या? नहीं, शिव अकेला सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता। मुरली में ही बोल दिया, मैं अकेला कुछ नहीं करता, मैं अकेला कुछ नहीं करता। और लवंग और काली मिर्ची ये खाने में यूज कर सकता है? करता करता लवंग। किसी को खांसी वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जैसे सर्दियों में वैद्य लोग बताते हैं कि त्रिकुटा का काढ़ा पीना अच्छा होता है, या तो त्रिकुटा का चूर्ण शहद के साथ लेना अच्छा होता है। जो लेता रहेगा उसको खांसी बुखार जुकाम ये सर्दियों में नहीं होगा। तो ये तो एक प्रकार की दवाई है जो सर्दी से बचाए रखती है। रेगुलर यूज करना वो तो ठीक नहीं है। उत्तर भारत में गरम मसाले पैदा होते हैं या दक्षिण भारत में पैदा होते हैं? कहाँ पैदा होते हैं? है? दक्षिण भारत में पैदा होते हैं। क्यों है? दक्षिण भारत में
सर्दी ज्यादा नहीं होती है और नॉर्थ इंडिया में सर्दी ज्यादा होती है, तो दक्षिण भारत में जो मसाले पैदा होते हैं गरम मसाले, उनकी कीमत बढ़ जाती है नॉर्थ इंडिया वालों के लिए या साउथ इंडिया वालों के लिए? नॉर्थ इंडिया वालों के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी की जो बीमारियां हैं वो नॉर्थ इंडिया वालों को ज्यादा असर करती है। तो ये लौकिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? है अलौकिक बनाओ। पहले हम काटे थे, अभी लहसुन दही ये यूज नहीं करते हैं ना? हाँ हाँ, जो गर्म चीजें यूज करेंगे तो इंद्रियों में ज्यादा गर्मी आएगी, हाँ फिर पवित्रता का पालन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए न यूज करना अच्छा ही है ना। और गर्मियों में यूज करेंगे तो और ज्यादा नुकसान है। ये किसी ने पूछा है, अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम है क्या? ओबामा। तो अमेरिका के ओबामा को ओसामा बार बार धमकी देता है, टीवी में न्यूज आती रहती है, उसका बेहद का अर्थ क्या है? बाहर की दुनिया में ओबामा और ओसामा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो दोनों पार्टीधारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हैं? होने चाहिए। ये ओबामा तो नया राष्ट्रपति अभी हुआ है, इससे पहले दूसरा राष्ट्रपति था, और उसको बहुत धक्का पहुंचाया। किसने? ओसामा ने। अभी ओसामा नए राष्ट्रपति को भी धमकी दे रहा है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त व्यक्ति कौन है? दुनिया की दो बड़ी बड़ी सत्ताएं मानी जाती हैं, रूस और अमेरिका, बाहरी दुनिया की। उनमें भी अभी रूस सेकंड ग्रेड में हो गया, क्योंकि रूस के देशों का बंटवारा हो गया है, अनेक खंडों में बट गया है, इसलिए बड़ी सी बड़ी सत्ता अमेरिका हो गई। बाबा भी अव्यक्त वाणी में बोलते हैं, आ मेरे का आओ, तुम मेरे हो क्या? अर्थात मेरे नहीं हो, तुम अभी भी माया के हो, तुम्हारी सारी बुद्धि कहाँ खप रही है?
है वही माया की पंप एंड शो वाली बिल्डिंगों में तुम्हारी बुद्धि खप रही है। दुनिया के हिसाब से माया किसको समझा जाता है ना? देश कोई माया नहीं होता है, मायावी देश हो सकता है। धन को ही माया, धन को माया समझते हैं, प्रॉपर्टी को माया समझते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत बड़ा आदमी बन गया है, है? मायावी कौन है जो मायावी नगर में है? है बॉम्बे में। बॉम्बे में कौन है? बॉम्बे में क्रिश्चियन का आधार है। World वो तो कागज का बना हुआ एक क्या नाम एक फाइल है, उसका नाम है उनका बनाने वाला। हाँ है, वो ट्रस्ट किस लिए बनाया? आप करने के लिए, पूरा अपनी कंट्रोल में, कि जो भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसकी सारी सत्ता आर्थिक रूप से हमारे हाथ में आ जाए। तो देश में या देशांतर में, भारत देश में या विदेशों में भी जो भी बिल्डिंगें हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनमें भी खास करके जहां सरेंडर्ड हैंड्स रहते हैं, वो सारी बिल्डिंग है उसकी मुट्ठी में आ गई। अब जिसके नाम मकान होता है तो मकान में रहने वाले किसके अधीन हो गए? उसी व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं। वो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी के कंट्रोल में रहने से इनकार करने वाला, उस माया के पंप एंड शो को लात मारने वाला दुनिया के हिसाब से एक व्यक्ति है, जो संगठन बनाए बैठा है और गुप्त रहता है। अमेरिका उसे पकड़ नहीं पा रही है, कहां छुपा रहता है, गुप्त पार्ट है, है छुपा रुस्तम है। वो उसकी सत्ता को नहीं मानता। कौन? उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। अरे ओ शाम आ गई। क्या शाम आ गई? अब जो कुछ तुम्हारे पास है बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हारे पास जो भी है, जो भी तुमने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वो सब लाओ, सरेंडर कर दो, छोड़ने वाला नहीं है। उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। इसलिए वो धमकी देता है, ये भी उसकी एक धमकी है। उसका नाम ही धमकी है, नाम में ही धमकी भरी हुई है। क्या कि तुम्हारे पास जो भी चटापुंजिया है, चाहे धन है तो, तन की संपत्ति है तो, गोरे चिट्ठे हो ना, लंबे चौड़े हो ना, या प्रॉपर्टी की संपत्ति है तो,
राष्ट्र की जो भी पूंजी है अब वो यूज मत करो, फकीर बन जाओ, जो कुछ है वो ला करके इधर रख दो। जैसे मैं फकीर बना घूमता हूं वैसे तुमको भी फकीर बना के छोड़ूंगा। भारतवर्ष में एक ही फकीर प्रसिद्ध है, उसके लिए लोग मान्यता देते हैं, तो उसकी जो भी उपासना करेगा वो लंगोटिया शंकर जैसा फकीर बन जाएगा। खुद भी शमशान घाट में रहने वाला और दूसरों को भी शमशान घाट वासी बना देगा। तो कहीं टीवी में आज किसी ने देख लिया होगा तो प्रश्न पूछ लिया है। और बाबा फिर भी वो क्रिश्चियन का आधार मूर्ति जो है, है? वो क्रिश्चियन का आधार मूर्ति जो है वो एक मैगजीन में कहा है ब्रह्मा बाबा ने खुद परमिशन दिया था वर्ल्ड रिलीजन बनाने के लिए उनको भी और उनका माताजी को। ब्रह्मा बाबा श्रीमत के बरखिलाफ डायरेक्शन देंगे? मुरली में ब्रह्मा के मुख से बोला गया है तुम बच्चों को अपनी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं कराना है, ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, हमारी श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपनी श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड क्यों करावेंगे। उन्होंने ज्ञानार्थ पत्रिका में छपा दिया और आप बोलने लग पड़े। वो तो कुछ भी बोलेंगे, झूठा आदमी एक झूठ के ऊपर 100 झूठ बोलता है। और वो ज्ञानत पत्रिका जो है वो 76 के बाद की है या पहले की है? नहीं, अभी अभी का राष्ट्रीय। तो फिर वो तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, करते हैं, करने दो। नहीं, वही मैं बात बोल रहा हूँ, जो एडवांस में बोलते हैं उस वो हिसाब से वो लोग ऐसा छपा के एडवर्टाइज किया है। हाँ जी, और चकमक माने चुंबक पत्थर, मैग्नेट। और ओम शांति। हाँ जी, बाप से मिलना है तो बाप समान बंद कर रहे हैं, बाप से मिलना है तो हाँ बाप समान बंद करके मिलो तो अच्छी बात है। ये बात किसके प्रति लागू होती है? सभी बच्चों के प्रति लागू होती है। सदा काल के लिए अगर मिलन मेला मनाना है, बाप के साथ सदा मिलकर के रहना है, 84 जन मिलकर के ही रहना है, तो जैसा बाप वैसा बच्चा होना चाहिए। तो बाप तो सदा ही बोलता है निराकर स्थिति में रहे, बच्चा तो पहले जब ज्ञान में आता है, जब बाप से पहले बार मिलता है, हाँ। सिर्फ निराकर स्टेज धारण करने के स्टेज में आ जाता है फर्स्ट स्टेज। वो तो बाबा ने बोला हुआ है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बेसिक में था बच्चा तो ब्रह्मा के थ्रू सीखता था, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू सीखता था, डायरेक्ट बाप तो मिला ही नहीं था। और जब आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतर जाती है तो ये परिवर्तन आता है, क्या तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, निराकारी बनोगे तो निराकारी बाप से सीखोगे। जो डायरेक्ट डायरेक्ट माने एडवांस में जो आता है वो बाप को पहचानता है कि नहीं? तो जो नहीं अभी नहीं पहचानता, तुमने बाप को नहीं पहचाना। हाँ, बाप का पहचाना तो बाप का ज्ञान मिला, बाप का भक्ति में गया, बाप का मिला, उसका बाद बाप को पहचानता। बाप को पहचाना तो सर्वव्यापी है, एक व्यापी, एक व्यापी। जब एक व्यापी बाप को पहचाना और बेसिक वालों ने तो सर्व भी मानता था पहले,
अरे बेसिक वाले आप क्या मानते हैं? तो नहीं पहचाना, वो निराकारी स्टेज वाले नहीं बने और तुम निराकारी स्टेज वाले बन गए। तुम समझने लगे कि मेरी आत्मा ज्योति बिंदु है। तो बेसिक के बेसिक से जो एडवांस में आता है आते हैं वो तो पहले ही बाप को जानता है, निराकारी हो। बेसिक वाले बाप को जानते हैं? बाप को नहीं जानता, निराकारी निराकार जो है बाप को जानते, बाबा को नहीं जानता है, बाप को जानता है। कहाँ से जानते हैं? निराकार की याद करता है वो, शिव बाप है। निराकार तो वो को कैसे पता चलेगा वो तुम्हारी आत्मा है कि इनकी आत्मा है, कीड़े मकोड़ों की आत्मा है? बिंदु को कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? और जो डायरेक्ट एडवांस में आता है, डायरेक्ट तभी आता है जब अपन को ज्योति बिंदु आत्मा और दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने का आदि हो जाता है। अगर आदि नहीं हुआ है, देहधारी के रूप में देखता है, देहभान में रह करके देखता है, तो वो डायरेक्ट बाप से नहीं मिल सकता, पहचान ही नहीं पाता। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। और त्रिमूर्ति चित्र जिसका अच्छा लगता है वो कौन सा धर्म का है? त्रिमूर्ति चित्र जिसका अच्छा लगता है वो कौन सा धर्म का? जैसे बोलेगा श्री चित्र जिसका अच्छा लगता है पक्का देवता धर्म का है। त्रिमूर्ति चित्र जिसका अच्छा लगता है वो कौन सा धर्म का? वो भी देवता धर्म का। तीनों मूर्तियां जिसको अच्छी लगती है, ब्रह्मा की मूर्ति भी अच्छी लगती है, विष्णु की भी मूर्ति अच्छी लगती है, शंकर की मूर्ति भी अच्छी लगती है, तीनों मूर्तियां अच्छी लगती हैं, माने स्थापना पालना और विनाश तीनों का काम अच्छा लगता है। स्थापना भी चाहिए, विनाश भी चाहिए और पालना भी चाहिए। और त्रिमूर्ति में जो विष्णु विनती माता को बोला गया है विष्णु, तो पूछो ना क्या पूछ रहे हो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं जिसमें प्रवेश करता है उनको बोला बोला जाता है। हाँ, विनती माता में ऐसी प्रवेश करते है क्या? माना जो मुख से बात करता है वो बात करना ही सब कुछ होता है। बात करने से बोलने से ही ज्ञान समझा समझाया जा सकता है, सुना और सुनाया जा सकता है कि मुख से बोले बगैर भी ज्ञान सुना और समझाया जा सकता है, है? अरे जो गूंगा है वो ज्ञान समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है, और दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? हैं? समझा सकता है। तो ज्ञान समझना और समझाना जरूरी है या बोलना जरूरी है? जिसके आचरण में ज्ञान भरा हुआ है, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान भरा हुआ है, वो मुख से बोल बोल न भी करे तो भी दूसरे के जीवन को ज्ञानी आत्मा बना सकता है। तो क्या ये मानेंगे कि उसमें भगवान का वास नहीं है? कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। सिर्फ मुख से बोल बोल करना यही मतलब नहीं है प्रवेश करने का। तीन मूर्तियां हैं, एक मूर्ति के द्वारा सुनाते हैं, दूसरी मूर्ति के द्वारा समझाते हैं और तीसरी मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते हैं। जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना है
वो पक्का ज्ञान का फाउंडेशन है। इसलिए ब्रह्मा के अंदर जो कुछ भी सुनाया, ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा ने सुनाया या शिव ने सुनाया, ब्रह्मा के अंदर जो भी सहन शक्ति धारण करने का पार्ट बजाया, वो ब्रह्मा की आत्मा ने बजाया या शिव ने प्रवेश करके बजाया? ब्रह्मा ने प्रवेश करके नहीं बजाया, भगवान ने बजाया। शंकर में तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके ज्ञान को समझाने का कार्य शिव ने किया या शंकर ने किया? है? शिव ने किया। ऐसे ही विष्णु का काम है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल धारणा करना और दूसरों को अपने प्रैक्टिकल कर्मों से ज्ञान सुनाना, समझाना और धारण कराना। ये कार्य शिव बाबा का है या विष्णु का है? शिव का है। अरे हम तो तमो प्रधान आत्माएं हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, आखिरी जन्म में तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी, डिस सर्विस करेगी? डिस सर्विस करेगी। हम आत्माएं सिर्फ हिम्मत कर सकती हैं। हिम्मत है बच्चे तो बाप शिव आकर के प्रवेश करके मदद करते हैं। कोई में वाचा की मदद करते हैं, कोई में बुद्धि की मदद करते हैं, कोई में दृष्टि की मदद करते हैं और कोई में प्रवेश करके प्रैक्टिकल कर्मों की मदद करते हैं। तो विष्णु के द्वारा जो कार्य होता है पालना का, वो विष्णु वाली आत्मा, वो वैष्णवी शक्ति 84 जन्मों में क्यों नहीं कर पाई पालना का काम? वो 84 जन्मों में देवी देवता सनातन धर्म के परिवार नहीं होते क्या? होते तो हैं। वहां क्यों नहीं स्वर्ग की पालना करके दिखा दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां शिव प्रवेश नहीं था और यहां, यहां वैष्णवी शक्ति में भी शिव की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है, जिसके लिए अभी अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया। क्या बोला? विजयमाला का आवाहन करो। तो प्रवेश करना सिर्फ वाचा से बोलने के लिए प्रवेश करना नहीं होता है, दृष्टि से पावर देते हैं वो भी प्रवेश करने की बात है, बुद्धि से समझाते हैं बात की गहराई को वो भी प्रवेश करने की बात है, और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, करके दिखाते हैं, वो भी कर्मेंद्रियों की बात है, प्रवेशता की बात है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये त्रिदेव का पार्ट शिव के बगैर साबित ही नहीं होता। तो ये कहना रांग है कि विष्णु में शिव का प्रवेश कहां होता है। पांच आत्माएं हैं, राम, कृष्ण और दोनों की सहयोगी शक्तियां और पांचवी जगदम्बा। उनमें चार आत्माएं हैं, विष्णु की भुजाएं,
और एक आत्मा है उन चारों भुजाओं को चलाने वाली राम वाली आत्मा। पांचों में शिव का प्रवेश होता है तब पांच ब्रह्मा के मुख हुए। पांचों ब्रह्मा के मुख कहे जाते हैं या नहीं कहे जाते हैं? ब्रह्मा का पंचानन नाम है या नहीं है? तो क्या झूठा है? अरे ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब शिव ने प्रवेश किया है। और क्यों? ब्रह्मा बच्चा है? ब्रह्मा बच्चा है या नहीं है बाप का? है बाप शंकर है और ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा बच्चा है, तो जो बच्चा है वो बाप समान बनेगा या नहीं बनेगा? है बनेगा। ऐसे ही और जो तीन भुजाएं हैं वो भी बाप की रचना है या रचयिता है? वो भी बच्चे हैं। इसलिए सभी बच्चों को बाप समान पार्ट बजाना है। इसलिए पांचों ही शंकर के रूप हैं, पांचों ही सहयोगी हैं। तो हनुमान को भी पांच मुख दिखाते हैं, गणेश को भी पांच मुख दिखाते हैं और शंकर को भी पांच मुख दिखाते हैं और ब्रह्मा को भी पांच मुख दिखाते हैं। और